हेलो चिल्ड्रन, वेलकम अगेन टू स्वस्तिक अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ भगवती पांडे, योर सोशल साइंस टीचर। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर 6 ऑफ स्टैंडर्ड 10। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज। आई विल एक्सप्लेन यू फ्यू पॉइंट्स टुडे इन पार्ट 1। केव्स ऑफ अजंता, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, महाबलीपुरम, पतिदक्कल मेमोरियल, कैंपस ऑफ खजुराहो, सन टेम्पल ऑफ कोटा, ब्रजेश्वर टेम्पल, कुतुब मीनार, हम्पी, हुमायूंस टॉम्ब, फोर्ट ऑफ आगरा एंड ताजमहल। दीज पॉइंट्स आई विल एक्सप्लेन यू टुडे, सो लिसन केयरफुली। द कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया इज वेरी रिच एंड प्रॉस्पेरस। इंडिया एज वेल एज फॉरन विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू विजिट द प्लेसेज ऑफ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट दीज प्लेसेज। बच्चों, सबसे पहले तो जो प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज, मतलब जो यहाँ की हमारी सांस्कृतिक विरासत हमको मिली है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। जो हमारा कल्चर हेरिटेज भारत के काफ़ी रिच और प्रॉस्पेरस है, भारत में और इवन फॉरेन के विजिटर्स भी यहाँ आते हैं हमारे कल्चर और नेचुरल हेरिटेज भारत के देखने के लिए। इस चैप्टर में उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले केव्स ऑफ अजंता। द फेमस केव्स ऑफ अजंता आर सिचुएटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट नियर अजंता विलेज। दे आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ आर्ट ऑफ वास्तु, या वास्तुशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फेमस है। दीज केव्स आर डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। केव्स बेस्ड ऑन वॉल पेंटिंग और दूसरा केव्स बेस्ड ऑन स्कल्पचर। एक ऐसी केव्स है जो कि वॉल पेंटिंग से रिलेट करती है, दूसरी स्कल्पचर से। केव्स ऑफ नंबर 1, 2, 10, 16 and 17 आर एक्सीलेंट पेंटिंग वॉल एंड हैव अटेंड द हाइएस्ट रैंक इन वॉल पेंटिंग। ये जो 1, 2, 10, 16, 17 ये वॉल पेंटिंग है, इनका सबसे ज़्यादा इनको हाइएस्ट रैंक में रखा गया है। द थीम ऑफ दिस वॉल पेंटिंग इज बुद्धिस्ट रिलीजन, ये सारे बुद्धिस्ट रिलीजन को शो करती हैं। और अजंता केव्स आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, और जो अजंता केव्स है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। दे आर चैत्यास एंड विहारास। कौन सी है? चैत्यास और विहारास। केव नंबर 9, 10, 19, 26 and 29 आर चैत्यास। ये सारी चैत्यास हैं जो मैंने भी बताई, और इसके बाद जो बची हुई केव्स हैं उनको विहारास के नाम से जाना जाता है। अजंता केव्स वेयर फॉरगेटन विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट इन 1819 AD एन इंग्लिश कैप्टन जॉन स्मिथ रीडिस्कवर्ड देम। इसके बाद ये एक तरह से भूल गए थे, लेकिन बाद में 1819 में जो इंग्लिश कैप्टन जॉन स्मिथ ने इन्हें वापस इसको डिस्कवर्ड किया। अजंता केव्स आर द मैग्निफिशेंट एग्जाम्पल ऑफ इनिशियल बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ वास्तु। ये स्टार्टिंग में जिस तरह इनिशियल स्टेज में बुद्धिज्म के टाइम पर जो वास्तु था उसको एक्सप्लेन करते हैं, आर्ट ऑफ पेंटिंग और स्कल्पचर को भी पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टाइम हैव ग्रेटली डैमेज डैम। अजंता केव्स आर फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन वर्ल्ड फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच आर्ट, फाइन ब्लेंडिंग ऑफ वंडरफुल आर्ट ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ अजंता केव्स है अर्न प्राइड फॉर द फॉरन इंडियन आर्ट। बच्चों, जो हमारा अजंता केव्स है बहुत इसलिए फेमस नहीं है कि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच आर्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें जो फाइन ब्लेंड किया हुआ है यहाँ का वंडरफुल पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर, साथ ही साथ इसमें ये यहाँ पर जो है ह्यूमन इंटरफेरेंस और इम्पैक्ट ऑफ टाइम को पूरी तरह से जिसे देखा जाता है वहाँ पे एक तरीके से उन्होंने ग्रेटली डैमेज किया था। देन आफ्टर जो समय के हिसाब से वहाँ पे डैमेज हो गया था, उसके बावजूद भी उसके कलर्स, उसकी ब्यूटी आज भी बहुत ही मायने रखती है। चैत्यास का मतलब मैं बता दूँ आपको, टेम्पल हॉल फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क होता था। और स्तूपाज आर बिल्ट इन द इंटीरियर मोस्ट एंड ऑफ द केव्स, और एंड में केव्स के स्तूपाज बनाए जाते थे। विहाराज मीन्स बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज जहाँ बुद्धिस्ट लोगों की होती है। वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रिसाइड एंड स्टडी, जहाँ ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं और अपनी स्टडी करते हैं। चैत्या क्या होता है? टेम्पल हॉल बुद्धिस्ट के लिए, और विहाराज क्या होता है? बुद्धिस्ट मॉन्क जहाँ रहते हैं और पढ़ते हैं। सो एलोरा केव्स, एलोरा केव्स आर सिचुएटेड एट औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। देयर आर 34 केव्स इन ऑल। देयर आर 3 ग्रुप्स इन केव्स ऑफ केव्स टेम्पल्स एंड दे हैव डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये तीनों ग्रुप अलग हैं, 1 से लेके 12 तक है जो बुद्धिस्ट केव हैं, 13 से लेके 29 तक हिंदू केव हैं, और 30 से 34 तक जैन केव्स। तो थ्री पार्ट्स में हिंदू
बुद्धिस्ट हिंदू और जैन में इनको डिवाइड किया। हिंदू केस आर बिल्ट ड्यूरिंग द रायन ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी उसके समय में बनाई गई थी। एंड कैलाश टेम्पल इज सिचुएटेड इन केव नंबर 16, कैलाश टेम्पल नंबर 16 पे है केव के। इट इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 33 मीटर वाइड एंड 30 मीटर हाई, इतना है इसका, 50 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा और 30 मीटर इसकी ऊंचाई है। दिस टेम्पल इज कार्ड आउट अ सिंगल मैसिव रॉक, एक ही बड़े से रॉक में बनाया गया है। दिस टेम्पल इज अडॉर्न्ड विद ब्यूटीफुल डोर्स बालकनीज एंड सीरीज ऑफ पिलर, इसमें बहुत सारी खूबसूरत इसमें दरवाजे हैं, बालकनी है और बहुत सारे पिलर्स हैं। द ब्यूटी ऑफ टेम्पल कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, इसको हम शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एंड दे आर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 660 AD to 1080। इट इज लाइव डिस्प्ले ऑफ एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन। केव डेडिकेटेड टू हिंदू जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन। एंड एलोरा कैंपस इज नॉट ओनली एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्निफिशेंट क्रिएशन ऑफ आर्ट बट ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी। मोर ओवर इट डिस्क्राइब्स अबाउट द पेशेंस ऑफ इंडियंस, बच्चों ये जो तीनों तरह की इसको डिस्क्राइब किया गया बुद्धिस्ट हिंदू और जैन केव्स को, इसकी ब्यूटी आज भी मायने रखती है कि उस समय में इतना ज़बरदस्त आर्ट कैसे बनाया गया था। तो और ये भी डिस्क्राइब करती है कि कितना हिंदूज में पेशेंस था उस समय भी, ऐसी वास्तु कला को उन्होंने बनाया। नेक्स्ट है एलिफेंटा केव। दीज केव्स आर बिल्ट इन द अरेबियन सी 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मुंबई इन महाराष्ट्र। देयर आर 7 केव्स इन ऑल, 7 केव्स हैं, 12 किलोमीटर दूर है मुंबई से महाराष्ट्र में। देयर इज एन ह्यूज स्टोन मोनूमेंट अरेबियन सी में, ये तो आपको मैंने बताई दिया पहले। देयर इज ह्यूज स्टोन मोनूमेंट ऑफ एन एलिफेंट, एक एलिफेंट का मोनूमेंट हम कह रहे हैं, जो दूसरे उसको देखो स्ट्रक्चर ऑफ द पोर्चुगीज नेमिट, इसीलिए जब पोर्चुगीज ने देखा तो उन्होंने इसका नाम एलिफेंटा रख दिया। मैनी ब्यूटीफुल फिगर्स हैव बीन कार्व्ड, आउट ऑफ देम द मैग्निफिशेंट त्रिमूर्ति टेम्पल इन केव नंबर 1 इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। इन 1987 AD यूनेस्को हैज प्लेस्ड एलिफेंटा केव इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। लोकल फिशरमैन कॉल्ड इट धारापुरी, लोकल फिशरमैन को जब धारापुरी के नाम से जानते हो, त्रिमूर्ति का जो एग्जाम्पल है ये बेस्ट स्पेसिमेन माना जाता है और यूनेस्को ने इसको 1987 में एलिफेंटा केव को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में रख दिया है। नेक्स्ट इज महाबलीपुरम। महाबलीपुरम इज लोकेटेड 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई से 60 किलोमीटर दूरी पे। दिस सिटी ऑफ तमिलनाडु इज फेमस फॉर इट्स स्प्लेंडेड टेम्पल आर्किटेक्चर एंड सी शोर। नरसिंहवर्मन वन हु हैज़ पॉपुलरली नोन एज महामल्ला बिलोंग टू पल्लवा डायनेस्टी। 7 टेम्पल्स पर बिल्ट है, 7 टेम्पल्स बनाए गए नरसिंहवर्मन के समय में, जो कि महामल्ला के नाम से जाने जाते थे पल्लवा डायनेस्टी के। और ये तमिलनाडु फेमस है यहाँ के टेम्पल आर्किटेक्चर और सी शोर के लिए। 7 टेम्पल्स पर बिल्ट है जो बनाए गए थे साथ। एट प्रेजेंट ओनली 5 चेरी टेम्पल्स एग्जिस्ट, केवल जो 5 रह गए उनमें 7 में से रथ वाले टेम्पल्स। 2 चेरी टेम्पल्स हैं संभर जिधर सी दो सी में रथ वाले टेम्पल डूब चुके हैं। देयर इज एन अमेजिंग फिगर ऑफ लॉर्ड विष्णु इज एन स्माइलिंग पोज, भगवान विष्णु की हंसने वाले मुद्रा में जो एक जबरदस्त उनकी अमेजिंग फिगर है लॉर्ड विष्णु की। देयर इज एन आइडल ऑफ गॉडेस दुर्गा स्लेइंग महिषासुर इन वर्ड सिंह, और जो महिषासुर मर्दनी का जो स्टैचू है वो भी बहुत ही खूबसूरत है दुर्गा का। महाबलीपुरम विच हैज़ एन अनपैरल्ड आर्किटेक्चर रॉक स्कल्पचर वॉज ऑल्सो अ फेमस हार्बर ऑफ एंशियंट टाइम। सारी जो महाबलीपुरम का अनपैरल्ड आर्किटेक्ट है रॉक स्कल्पचर, इसको अभी भी इसके समानांतर कोई दूसरी वास्तुशास्त्र में लोगों का लाना इट्स टू टफ एट प्रेजेंट ऑल्सो, कि स्कल्पचर और आर्किटेक्चर का ही इतना ज़बरदस्त नमूना है। फिर पत्तदक्कल मेमोरियल। पत्तदक्कल कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम बादामी नगर। एंड द्रविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एयर दीज वेयर बिल्ड ड्यूरिंग द 7th and 8th century। एंड विरूपाक्ष टेम्पल इज द बिगेस्ट टेम्पल ऑफ पत्तदक्कल, जो विरूपाक्ष टेम्पल है यहाँ सबसे बड़ा टेम्पल है। और बच्चों इसमें 7th to 8th century में जब ये बनाया गया था, द्रविड स्टाइल का इसका आर्किटेक्चर है और 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम बादामी नगर से है।
तो ये चालुक्य डायनेस्टी में बनाया गया था, के समय में बनाया गया था टेम्पल ऑफ खजुराहो जो है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दीज टेम्पल्स आर लोकेटेड इन अ स्मॉल विलेज नेम खजुराहो एट छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में खजुराहो वॉज द एंशियंट कैपिटल सिटी ऑफ चंदेला राजपूत और बुंदेलखंड। सो टेम्पल्स वर बिल्ड बाय दीज किंग्स ड्यूरिंग देयर राइन 905 to 1050 AD। प्रेजेंटली 25 टेम्पल्स आर इन एग्जिस्टेंस। मोस्ट ऑफ देम आर शिवा टेम्पल विच इज रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा। सो वेयर एज सम ऑफ देम आर वैष्णव एंड जैन टेम्पल्स, दे ऑल आर पहला टाइप ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। द 64 योगिनीज टेम्पल द मेन टेम्पल, जो यहाँ पे 64 योगिनीज का मंदिर है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। जो तोरण यानी आर्क ऑफ द टेम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ऑल ऑफ द टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेनाइट स्टोन से बनाए गए हैं। एंड खजुराहो टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड इन नागर स्टाइल आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्ट ऑफ वास्तु ऑफ खजुराहो टेम्पल स्पेल बाउंड द विजिटर्स। दस बच्चों, खजुराहो टेम्पल जो है ये चंदेला राजपूत और बुंदेलखंड के टाइम पर बनाया गया था। सो इसको जो इस टेम्पल को बनाने के लिए 905 से 1050 तक इसको बनाया गया, और 25 टेम्पल एग्जिस्ट करते हैं इसमें एट प्रेजेंट। सब भगवान शिव से रिलेट करते हैं, उसमें से वैष्णव और जैनिज्म से रिलेट करने वाले भी कुछ टेम्पल्स हैं। उसमें 64 योगिनी माता का जो टेम्पल है वो काफ़ी फेमस है, और नागर स्टाइल में इसको बनाया गया है। तो इस तरह का जो स्वास्थ्य खजुराहो टेम्पल का गजब का है, इसको देखने के लिए वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क बच्चों, इट इज सिचुएटेड नियर द बे ऑफ बंगाल एट पूरे डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा, ओडिशा में है ये। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 13th century ड्यूरिंग द रायन ऑफ किंग नरसिंह वर्मन वन, हु बिलोंग टू द गर्ग डायनेस्टी। किससे बिलोंग करते थे? गर्ग डायनेस्टी से। और दिस चैरियट टेम्पल ड्रॉन बाय 7 horses टुक द फॉर्म ऑफ चैरियट ऑफ सन गॉड, जो कि सूर्य देवता के रथ को प्रदर्शित करते हैं। इट हैज 12 massive wheels में 12 बड़े बड़े इसके जो पहिए हैं, प्रोवाइडिंग ब्यूटी ऑफ द पेडेस्टल ऑफ टेम्पल। दीज व्हील्स रिफ्लेक्ट 12 months एंड ईच व्हील हैज 8 spokes विच शोज 8 prayers ऑफ द डे। बच्चों, इसमें 12 महीने को ये शो करते हैं, उसमें 8 spokes है जो कि 8 prayers एक दिन के शो करते हैं। डिटेल्स ऑफ द मोटिव एंड द सब्जेक्ट्स, डायवर्सिटी ऑफ दिस टेम्पल इज अनपैरेलल्ड। इसके समानांतर भी कोई दूसरा मंदिर नहीं है। दिस टेम्पल हैज़ बीन बिल्ड बाय ब्लैक स्टोन से बनाया गया है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा और इसका। दीज रिमेन्स रिफ्लेक्ट्स द स्कल्पचर एंड सिविलाइजेशन 13th century उड़ीसा, और इस तरह से जो इसके रिमेन्स रिफ्लेक्ट करते हैं स्कल्पचर और सिविलाइजेशन 17वीं शताब्दी का। फिर बच्चों, बृहदेश्वर टेम्पल, जैसे नाम से बृहद मतलब काफ़ी बड़ा। This temple is located at Tanjore in the Tamil Nadu. This temple was built during the 1003 AD to 1010 AD. It is Shiva temple, so it is called Rudreshwar, भगवान शिव का। इसलिए इसको रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, काफ़ी बड़ा है। इट इज बिल्ड बाय किंग राजराजा वन ऑफ चोला डायनेस्टी, इट इज नोन एज राजराजेश्वर टेम्पल ऑल्सो। द हाइट ऑफ दिस टेम्पल इज 500 feet, सो इट्स width is 250 feet. It is spread in the vast area surrounded by a wall. Its summit is 200 feet high above the ground. Hence, this temple attained the place in the temples of high pinnacles. This is marvelous heritage of architecture art in India due to its gorgeous and huge size of pinnacle and artistic decoration. In the same way, it has secured a place among the best temple of South India. इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन त्रिवेणी स्टाइल ऑफ आर्ट। तो बच्चों, ये बृहदेश्वर टेम्पल नाम के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, जैसे कि मैंने आपको बताया राजा राजवन ने चोला डायनेस्टी के बनाया था। इसको राजराजेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी हाइट है 500 feet और विड्थ है 250। इसमें 200 feet हाई इसकी जो ग्राउंड से है इसकी जो हाइट, और टेम्पल की जो ब्यूटी है वो ज़बरदस्त देखने, क्योंकि इसका जो ऊँचाई है, इसका शिखर है, वो काफ़ी ऊँचे है और बहुत ही खूबसूरत उसको बनाया गया है। इस कारण से इसका आर्किटेक्ट वर्ल्ड वाइड फेमस होने के साथ इसका जो पिनेकल का आर्ट है वो फैंटेस्टिक माना जाता है, और द्रविड़ स्टाइल में इसको बनाया गया। अब हम आते हैं कुतुब मीनार। हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार बच्चों, इट इज़ लोकेटेड इन दिल्ली। इट वॉज बिल्ड इन द 12th century
by Qutubuddin Ayubak, who was the founder of Gulab dynasty. After his death, the remaining work was completed by his son-in-law Iltutmish. This 72.5-meter tall skyscraper is made out of round red stone and marble. Its circumference is 13.75 meters at its base, and it is reduced to 2.75 meters at its top. Verses of Quran have been engraved on it. It is the tallest stone minaret of India. बच्चों ये जो है tallest मीनार मानी जाती है भारत की. इसकी beauty काफ़ी खूबसूरत इसको माना जाता है. लाल पत्थर से इसको बनाया गया है. कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया और उसकी मरने के बाद उसके सन इन लॉ ने इस इल्तुतमिश जिसका नाम था उसने इसको कम्प्लीट किया. दिल्ली में इसे देखने के लिए विश्व से और हमारे देश के लोग भी जाते हैं, पर अभी ये अंदर से ऊपर चढ़ने के लिए इसको बंद कर दिया गया. नाउ हम्पी, दिस टाउन इज सिचुएटेड इन बैंक ऑफ रिवर तंगभद्रा हॉस्पेट इन बिल्लार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. हम्पी वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर किंगडम. द रूलर ऑफ विजयनगर किंगडम वेयर लवर्स ऑफ द आर्ट पिक्यूलर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर एंड डेवलप इन विजयनगर ड्यूरिंग देयर रैन. जो विजयनगर के जितने भी राजा थे उन्होंने इसमें काफ़ी तरह से इसको डेवलप किया. द पीरियड ऑफ कृष्णदेव राय वॉज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ दिस आर्ट एज इट इज टू बी हाइएस्ट पीक. द मेन फीचर ऑफ द आर्किटेक्चर आर्ट इट इज रीच इन द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ विजयनगर वॉज टू कार्व ऑन द ह्यूज एंड मैग्निफिशेंट पिलर फ्रॉम द स्टोन्स पिलर्स एंड कॉलम मेड वेर आर्टिस्टिकली एडॉर्न विद द फिगर ऑफ गॉड गॉडेस human, animal, warriors, dancer in Hampi village of Vijayanagar kingdom. During the reign of Krishna Dev Rai, the Vittal temple and Hajira temple were built beside it, and Virupaksha temple, Acharya Achyutaraya temple of Lord Krishna, Achyutaraya temple of Lord Krishna are the best temple of this architecture. So Humayun Tomb, Hampi ke baad hamara Humayun Tomb hai. The tomb of Humayun at Delhi is the best specimen of Mughal architecture. After the death of Humayun, Humayun ki mrityu ke baad isko banaya gaya unki wife jo queen thi Hamida Begum ke dwara. This tomb was made in Iranian style of art ke dwara banaya gaya. Red aur white stones mein use kiya gaya hai. इसके बाद है फोर्ट ऑफ आगरा, जो कि नाम से पता है आगरा सिटी में उत्तर प्रदेश में. ये रेड स्टोन से बनाया गया है. इट इज़ नोन एज रेड फोर्ट. इट इज़ बिल्ड बाय द अकबर इन 1565. वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ हिंदू एंड ईरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट इन इट. इसकी 70 फीट टॉल है और 1.5 मील इसका सर्कमफेरेंस है. बच्चों रेड स्टोन से बनाया गया है इसको और द वॉल इन अ सच वे that no cracks can be seen on the wall. Jahangir places was built by Akbar in this fort. Jahangir place by किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा. The architecture style of Bengal and Gujarat on Jahangir palace can be seen clearly. Shahjahan had spent the last days of his life here. Shahjahan ने इसी रेड फोर्ट में अपना जीवन बिताया था. और ताजमहल तो आपको पता ही है, जो कि आगरा में वर्ल्ड फेमस है. बैंक ऑफ रिवर, जो कि हमारी यमुना नदी के किनारे इसको बनाया गया है बच्चों. इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल किंग शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज महल. और मुमताज महल जब 1630 में उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी डेथ के बाद ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया और 1631 में इसको कम्प्लीट किया गया. और 1631 में बच्चों इसको इसकी शुरुआत की गई और 1653 में 22 साल के बाद इसको बनाया गया. शाहजहां ने इसके लिए एक्सपर्ट इंडियन स्कल्पचर्स को बुलाया गया था और इना अरब टर्किश और यूरोपियन स्कल्पचर को बुलाया गया था. इसको बनाने में काफ़ी लोगों ने अपना योगदान दिया. 20,000 लोगों ने इसमें काम किया. 20 साल से भी ज़्यादा इसको बनाने में लगे. ड्यू टू दिस स्टॉन्ग द नेम ऑफ मुमताज महल हैज बिकम इमॉर्टल. अभी उसको उनका नाम अभी भी प्रसिद्ध है और एक तरह से प्रसिद्ध हो गई. उनकी मृत्यु कभी जिस तरह से भी हुई ना, और रोज उनके बारे में वहाँ बताया जाता है. दिस वॉज द इनर मोस्ट विश ऑफ शाहजहां. द बिल्डिंग ऑफ ताजमहल इज स्प्रेड इन रेक्टेंगुलर शेप में बनी हुई है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. द ग्रेव ऑफ मुमताज लाइज इन द सेंटर ऑफ द ताज. इट इज सराउंडेड बाई ब्यूटिफुल आर्टिस्टिक एक्टागोनल फेंस. So carved out of stone, a beautiful saying is inscribed on one of its arch
pious hearts are welcome in the garden of paradise. The architecture of Taj glorifies the rich heritage of India. तो इस तरह से जो ताजमहल है उसमें thousands people आते हैं हर साल, हजारों लोग हमारे देश के और फॉरेन कंट्रीज से भी आते हैं. तो इस तरह से पार्ट वन यही ख़त्म होता है. आई विल एक्सप्लेन यू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर इन पार्ट टू. थैंक यू.